पोहरी तहसीलदार के नेतृत्व में ग्राम भैंस रावण में शासकीय भूमि से हटवाया अतिक्रमण। खबर पोहरी अनुविभाग क्षेत्र के अंतर्गत तहसील पोहरी के व्रत छर्च स्थित ग्राम भैंस रावण की है, जहां प्रशासन ने शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण को हटाया गया है। भूमि सर्वे नंबर 76.80 रकबा क्रमशः 8.50 5.19 हेक्टेयर नोयत पहाड़ी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण द्वारा झोपड़ी बाउंड्री टीन शेड एवं अन्य प्रकार से अतिक्रमण किया गया था। तहसीलदार तहसील पोहरी अजय परसेडिया, नायब तहसीलदार व्रत छर्च अशोक श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार व्रत गोवर्धन बी के शर्मा, थाना प्रभारी छर्च योगेंद्र सिंह, राजस्व निरीक्षण व्रत छर्च राजेंद्र प्रसाद ओझा, प्रभारी राजस्व निरीक्षक व्रत पोहरी अशोक वर्मा एवं पटवारीगढ़ ग्राम पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक आरक्षकगढ़ ग्राम कोटवार के संयुक्त दल द्वारा अतिक्रमणकारी मनोज यादव, सियाराम यादव, गणेश यादव, वसंती यादव, राकेश यादव द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही की गई है। उक्त शासकीय भूमि से रकबा 2 हेक्टेयर भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जा चुका है तथा उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उक्त अतिक्रमण मुक्त शासकीय भूमि का बाजार मूल्य गाइडलाइन के अनुसार 13,60,000 रुपये है। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आदरणीय कलेक्टर सर, आदरणीय एसडीएम सर के मार्गदर्शन में निर्देशन में कल ग्राम भैंसरावण तहसील पोहरी में एक एंटी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसमें करीब करीब 2 हेक्टेयर भूमि भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत करीब करीब 13,60,000 रुपये थी और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी।